इस वीडियो में हम सीखेंगे लिवरेज रेशोज क्या होती हैं। लिवरेज हम किसे कहते हैं, पहले हम ये जानते हैं। लिवरेज हम कहते हैं लिवर के थ्रू फोर्स लगाकर चीज उठाने को लिवरेज कहा जाता है। लिवर के थ्रू एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जा सकती है, यहाँ हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के लिए, एक्स्ट्रा फायदा लेने के लिए लिवर को यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ हमें पर्सन नजर आ रहा है, इसके हाथ में ये जो है इसे हम लिवर कहते हैं, इसको यूज करके ये पर्सन ये बॉक्स को इस जगह से हटाने की कोशिश कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए जो चीज यूज की जा रही है वो है लिवर। तो इस रेशो को अब लिवरेज रेशोज क्यों कहते हैं, ये रेशोज हमें ये बताती हैं कि एसेट्स जो एक कंपनी में हैं, एक कंपनी के एसेट्स हमने ख़रीदने हैं। अब जो एसेट्स कंपनी ने ख़रीदने हैं, लेकिन जो कंपनी के ओनर के पास इन्वेस्टमेंट है, वो जितने के एसेट्स आने हैं उन तमाम एसेट्स के अमाउंट के बराबर नहीं है। अब ये अगर अमाउंट के बराबर नहीं है, एसेट्स ख़रीदने के लिए सारी अमाउंट मौजूद नहीं है ओनर के पास, तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो हमें फ़ायदा जो मिलेगा वो किसके थ्रू हमें मिल सकता है एसेट्स को ख़रीदने के लिए, वो हमें हो सकता है डेट के थ्रू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेट भी हमारी कंपनी को एक्स्ट्रा फ़ायदा देता है, एक्स्ट्रा एसेट्स खरीदे जा सकते हैं जो यूज़ के होते हैं, एडिशनल, एक्स्ट्रा की जगह हम एडिशनल कहेंगे, एडिशनल एसेट्स खरीदे जा सकते हैं जो यूज़ के होते हैं। तो इसलिए जब हम लोग एसेट्स डेट यूज़ करके एडिशनल ख़रीदेंगे तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट में डेट और डेट में क्या रिलेशन है, एसेट में ऑनर की इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है, इस तरह के तमाम रिलेशन। और दूसरा डेट अगर हम दे, अब हम देख लेते हैं लिवरेज रेशोज कितनी होती हैं। ये रेशोज यूजुअली 5 हैं, 5 होती हैं। सबसे पहले है डेट टू इक्विटी रेशो, जो कि डेट और इक्विटी में रिलेशन बताती है, डेट इक्विटी के मुकाबले में कितना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है डेट टू टोटल कैपिटल रेशोज, ये डेट और कंपनी में जो टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है डेट प्लस इक्विटी मिलाकर, इन दोनों के दरमियान रिलेशन बताती है, यानी ये बताती है टोटल कैपिटल जितना भी इन्वेस्ट किया है डेट टू इक्विटी मिलाकर उसमें से डेट का पोर्शन क्या है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें ये बताती है कि हमारी जो अर्निंग है वो सफिशिएंट है इंटरेस्ट को मीट करने के लिए, और अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाते हैं तो वो किस लिमिट तक भी बढ़ जाएं तो हम लोग अर्निंग में से उसे पे कर सकते हैं। डिविडेंड कवर रेशो हमें ये बताती है कि हमारी कंपनी जो टैक्सेस और इंटरेस्ट पे करने के बाद अमाउंट आती है उसमें से डिविडेंड को पे करने के काबिल है, डिविडेंड पे कर सकती है इतनी अमाउंट है। इसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशो, जो कि बताती है कंपनी की प्रॉपर्टीज़ यानी एसेट और ऑनर की इन्वेस्टमेंट में रिलेशन क्या है। तो इन रेशोज में से सबसे पहले हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशो की। तो डेट टू इक्विटी रेशो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ऊपर डेट लिखेंगे नीचे इक्विटी लिखेंगे और फिर हम लोग ये चेक कर लेंगे डेट इक्विटी के मुकाबले में कितना है। हम जाते हैं यहाँ बैलेंस शीट पर और देखते हैं, यहाँ हमारे पास कंपनी की लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी यहाँ लिखी हुई हैं, एसेट इस तरफ लिखे हुए हैं, यहाँ से अमाउंट आती है और एसेट्स में इन्वेस्ट कर दी जाती हैं। तो लाइबिलिटीज़ को अगर हम लोग टोटल देखें, टोटल डेट या टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 2,45,000। तो इस 2,45,000 को हम लोग यहाँ पर डेट में लिखेंगे, 2,45,000 हम लोग यहाँ पर रुपीज़ भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट हमने लिखी है ये रुपीज़ में है, इसकी करेंसी रुपी है, तो हम लोग यहाँ पर इसको साथ में 2,45,000 से पीछे रुपीज़ को लिखते हैं। और अब हम देखते हैं कि इक्विटी जो है वो कितनी है, जो बैलेंस शीट हमने अभी देखी थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसका स्टैंडर्ड में नेम है उसमें, यहाँ हम देखते हैं ऑनर की जो इक्विटी है वो है 4,14,300, यानी ऑनर ने जो इन्वेस्ट किया है वो है 4,14,300। हम यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 4,14,300। अच्छा, ये जो हमारी डेट टू इक्विटी रेशो है इसका आंसर जो है हम परसेंटेज में बताते हैं, हम बताते हैं कि डेट जो है इक्विटी के मुकाबले में इतने परसेंट है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आती है 59.13%, यानी डेट जो है वो इक्विटी के मुकाबले में 59.13% है।
इसके बाद हमारे पास है डेट टू टोटल कैपिटल कैपिटल रेशो या डेट टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी इसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हम डेट लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा डेट है हमारा रुपीज़ 2,45,000। अब हम देखेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कहते हैं हमारे जो लाइबिलिटीज एंड इक्विटी वाली साइड होती है बैलेंस शीट की, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी वाली साइड होती है बैलेंस शीट की, इन तमाम में जितनी लाइबिलिटी और इक्विटी होती है इसको हम लोग जमा करते हैं। जमा करके इसमें से हम लोग माइनस करते हैं करंट लाइबिलिटी। अब इसका रीज़न ये है कि करंट लाइबिलिटी जो है वो करंट एसेट्स को ख़रीदने के लिए आमतौर पर, करंट लाइबिलिटी यानी जो ये वो उधार हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर हमने पे कर देने होते हैं। जैसे हमने किसी से कोई चीज़ें ली हैं और क्रेडिट पे चीज़ें ली हैं, अभी अमाउंट पे नहीं की है, इसे एक साल के अंदर पे कर देना है, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। तो इसको जब हम लोग एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उसे ख़रीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करते इसकी अमाउंट को, तो इसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लिखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है वो अमाउंट जो एम्प्लॉय की जाए बिजनेस के अंदर एसेट्स को ख़रीदने के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी प्लस इक्विटी माइनस करंट लाइबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। तो लाइबिलिटी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेट है 2,45,000, यहाँ पर लिखते हैं डेट को रुपीज़ 2,45,000। और इक्विटी जो है वो है हमारी, यहाँ हमने पहले देखा था यहाँ 4,14,300 प्लस 4,14,300, इसको जमा करेंगे। इसमें से अब जो लेस करना है वो है करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी की फिगर यहाँ हमने भी नहीं देखी तो इसको देख लेते हैं। ये है करंट लाइबिलिटीज़ और ये अमाउंट मिलाकर है 95,000। तो हम इस अमाउंट को 95,000 को यहाँ लिखते हैं और हम इसको माइनस करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 5,64,300। यहाँ हम लिख लेते हैं 5,64,300। तो इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 5,64,300। यहाँ रुपये लिख लेते हैं हम और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 43.41%। यानी जो हमारा टोटल कैपिटल जितना हमने एम्प्लॉय किया हुआ है उसका 43.41% जो है वो हमारे बिजनेस में डेट है। तो जितनी लिवरेज रेशोज़ हैं उनमें से आज हमने इस वीडियो में टू रेशोज़ को कैलकुलेट करना सीखा। लिवरेज रेशो के कुछ और नेम भी हैं, ये हमारी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हम देखते हैं और नाम इसके क्या हैं। वो है एक सॉल्वेंसी रेशो। अब सॉल्वेंसी वर्ड का मतलब क्या है ये हम लोग देखते हैं। सॉल्वेंसी हम कहते हैं किसी कंपनी की एबिलिटी कि वो अपने डेट को पे कर सके, यानी एक कंपनी इतनी कैपेबल है, इतने उसके पास अमाउंट है कि वो अपने डेट को पे कर सके। इसको चेक करने के लिए जो रेशोज़ कैलकुलेट की जाती हैं वो है सॉल्वेंसी रेशो। अब डेट से रिलेटेड जितनी रेशो हैं वो है लिवरेज रेशोज़ में, इसीलिए सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए रेशोज़ कैलकुलेट की जाती हैं लिवरेज रेशोज़ ही, और इन्हें लिवरेज रेशो भी कहा जाता है और सॉल्वेंसी रेशो भी कहा जाता है। अब अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इन रेशो का एक और नेम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। अब इन्हें कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न ये है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना डेट इन्वॉल्व होता है या जितनी इक्विटी इन्वॉल्व होती है, इन दोनों के जो रेशो है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज बताती हैं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है, तो इसको जानने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज कैलकुलेट होती हैं। और क्या है डेट टू इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो हम लोग यहाँ वही चीज़ हम लिवरेज रेशोज़ में देख रहे हैं। तो इसका मतलब है लिवरेज रेशोज़ सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए भी कैलकुलेट की जाती हैं और इसलिए इसे सॉल्वेंसी रेशो भी कहा जाता है, और ये रेशो कैपिटल स्ट्रक्चर को बताती हैं इसलिए इसे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज़ भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने टू इम्पोर्टेंट लिवरेज रेशोज़ को कैलकुलेट करना सीखा।